किसी पूर्णांक n के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। हमें दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग थ्री एम या थ्री एम प्लस वन के रूप का होता है। प्रोसेस वही, हम क्या करेंगे, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर होता है। हम मान लेते हैं, माना बी बराबर तीन, तो आर के संभावित मान होंगे जीरो, एक, दो, ठीक है, तीन नहीं होगा क्योंकि आर के जो संभावित मान होंगे वो तीन से कम होंगे, जीरो, एक और दो। जब आर बराबर जीरो, जब आर बराबर जीरो होगा तो ए बराबर हो जाएगा थ्री क्यू, ठीक है, थ्री क्यू, ए बराबर थ्री क्यू प्लस जीरो, ठीक है, यानी थ्री क्यू। हमें क्या करना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग थ्री एम या थ्री एम प्लस वन के रूप का होता है। तो वर्ग करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं दोनों दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। जब हम दोनों ओर वर्ग करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर और थ्री क्यू का स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर तीन का स्क्वायर नौ और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर बराबर, हमें सिद्ध करना है थ्री एम या थ्री एम प्लस वन के रूप का होता है। तो एम लाने के लिए हम क्या करते हैं, और थ्री एम लाने के लिए तो इस नौ क्यू स्क्वायर को हम लिख सकते हैं तीन इंटू थ्री क्यू स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बराबर थ्री इंटू थ्री क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थ्री क्यू स्क्वायर को मान लेते हैं, माना थ्री क्यू स्क्वायर बराबर एम, ठीक है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर थ्री एम, ओके। जब आर का मान ए हो, जब आर का मान अब हम एक रखेंगे तो हो जाएगा ए बराबर थ्री क्यू प्लस वन। फिर से हमें क्या करना है, वर्ग करना होगा, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, जब हम दोनों ओर वर्ग करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर थ्री क्यू प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बराबर, अब आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, उसके अनुसार हम इसे क्या कर देंगे, खोल देंगे। थ्री क्यू प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा थ्री क्यू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी थ्री क्यू प्लस वन, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर बराबर थ्री क्यू का स्क्वायर नौ क्यू स्क्वायर प्लस वन और तीन दूनी छ क्यू, ठीक है, ए स्क्वायर बराबर नौ क्यू स्क्वायर प्लस छ क्यू प्लस वन, वन को हम इधर ले गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये तो हमारा आ गया कि थ्री एम, अब हमें लेकर आना है थ्री एम प्लस वन के रूप का होता है, तो वन तो आ गया लेकिन थ्री एम और लेकर आना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में हम तीन कॉमन लेंगे, ठीक है, जब तीन कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा तीन क्यू स्क्वायर और यहाँ पर टू क्यू प्लस
वन, ठीक है। अब हम पुनः मान लेंगे, माना थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू बराबर एम, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर हो गया थ्री एम प्लस वन, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग थ्री एम या थ्री एम प्लस वन के रूप का हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव।